थाने सरकार न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उल्लासनगर चार व्यापारी परमानंद गिरेजा के ऊपर। कोलब्रो कंपनी जो जीएस मैपिंग का जिनके पास टेंडर दिया गया है उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से, उन्होंने परमानंद गिरेजा के ऊपर विठलवाली पुलिस चौकी में आईपीसी 353, आईपीसी 392, आईपीसी 504, आईपीसी 506, आईपीसी 427 इतने कलम उनके ऊपर वहां पर दाखिल करवा दिए। आईपीसी 353 यानी कि सरकारी कामों में अड़चन पहुंचाना, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आईपीसी 392 यानी ये जो आईपीसी है ये लूटमार के हिसाब से लगाई जाती है। अगर हम उन्हें कहे कि राबड़ी करना, लूटना, उसके ऊपर 392 लागू होता है, आईपीसी 392 लगाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि उल्लासनगर शहर में कोलब्रो कंपनी ने किस तरह व्यापारी परमानंद गिरेजा को अपना शिकार बनाया, क्योंकि परमानंद गिरेजा और उनके साथी काफी समय से उनकी एनजीओ जीएस मैपिंग और यूजर टैक्स का काफी समय से विरोध कर रही थी। ये एक टारगेट के लिस्ट पे थे, मगर थोड़ी चूक के वजह से परमानंद गिरेजा इन चक्रों में अटक गए, क्योंकि कोलब्रो कंपनी वाले हर दुकान पर सर्वे करने के लिए पहुंच रहे थे। हमारा काम यही था कि उन्हें केवल यही कहना कि हमें आपके यहां से सर्वे नहीं करानी है। महासभा में यह विषय सर्वसम्मति से पास किया गया है। आने वाले दिनों में जब तक इन पर कोई डिसीजन फाइनल नहीं आता तब तक हम उन पर बात नहीं करनी चाहिए थी। मगर परमानंद गिरेजा ने कोलब्रो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट जो वहां पर लड़का लेके आया था उनकी डॉक्यूमेंट उन्होंने फाड़े और उनका वीडियो वायरल किया। यहां तक तो ठीक था, परमानंद गिरेजा ने भी अपने ओर से और व्यापारी संगठन के तरफ से जो किया वो ठीक था, मगर कानून के दृष्टि में वो गुना है। अगर कानून के दृष्टि में गुना है तो उनके ऊपर 353 आईपीसी और 504 और 506 तक ठीक था। बाकी जो उनके ऊपर जो परमानंद गिरेजा के ऊपर आरोप लगे हैं, सभी व्यापारियों का कहना है कि वो गलत है और एक निजी कंपनी के प्रेशर से उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा ये काम करवाया गया है और ये निंदनीय कार्य है। अगर कोई व्यक्ति समाज हित के लिए कोई कार्य का आवाज उठाता है, अगर इसी तरह उन लोगों को अगर दबाया जाएगा तो ये हमारा शहर कहां तक पहुंचेगा। दोस्तों आपको हम बता रहे हैं किस तरह परमानंद गिरेजा पुलिस चौकी पहुंचे, उसके बाद किस तरह उन्हें कोर्ट लाया गया और उसके बाद इस विषय में हमने महानगर पालिका कमिश्नर सुधाकर देशमुख से हमने बात की, उन्होंने क्या कहा, आइए सब जानते हैं और सब देखते हैं किस तरह ये माजरा हुआ। मगर जो ये माजरा हुआ वो काफी गलत है, क्योंकि हम इसका फुल जोर विरोध करते हैं। जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसकी केवल सजा मिलनी चाहिए। अगर झूठे केस में दो आईपीसी ज्यादा लगाकर किसी व्यक्ति की या जानबूझ के उन्हें गुनाह के राह पर ढकेला जा रहा है तो ये गलत है। शहर के लोगों को इनका फुल जोर विरोध करना चाहिए। आइए बात करते हैं हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका के कमिश्नर से और जानते हैं ये पूरा माजरा। उल्लासनगर शहरामध्ये जीआईएस मॅपिंगचं काम स्थायी समितीच्या मंजुरीनं फेब्रुवारीच्या दरम्यान दिलेलं आहे आणि शहरामध्ये ते काम प्रगतीपथावर आहे। शहरामध्ये प्रगतीपथावर असलेल्या कामाबाबत महासभेसमोर एक निर्णय झालेला आहे, मात्र त्याबाबतचा निर्णय अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाकडे आलेला नाही। जोपर्यंत त्या ठेकेदाराला प्रशासनाकडून काम बंद करा किंवा कामामध्ये काही बदल करा अशा सूचना दिल्या जात नाही, तोपर्यंत त्या ठेकेदाराला आपलं काम चालू ठेवावं लागतं। आणि अशा प्रकारचं जे कुठला काही कुणाचा ग्रीव्हन्स होता त्यांनी वास्तविक पाहता हे प्रशासनाशी निदर्शन आणणं आवश्यक आहे। आणि अशा प्रकारे स्वतः कुठलं काम थांबवणं किंवा त्या कामामध्ये हस्तक्षेप करणं अर्थातच ते कायद्याचं उल्लंघन ठरतं। आणि महानगरपालिकेचं कामकाज जेव्हा ठेकेदार करत असतो ते महानगरपालिकेचं शासकीय कामकाज असतं आणि शासकीय कामकाज थांबवणं तसं गंभीर बाब आहे आणि त्यामुळं त्यांच्यावरती कार्यवाही झालेली आहे। आणि माझी सर्व व्यापारी बंधूंना शहरातल्या नागरिकांना विनंती आहे की अशा प्रकारे जे आहे तर काही जे ग्रीव्हन्सेस असतात ते महानगरपालिकेमध्ये आपण आपल्या अर्जाने विनंतीने पाठवले पाहिजे। अशा प्रकारचं डायरेक्ट काम थांबवणं ते कायद्याने धरून ठरत नाही आणि त्यामुळे अशा प्रकारचा विनाकारण त्रास एखाद्याला होऊ शकतो। सर 17 जुलैला व्यापाऱ्यांनी शहर बंद करण्याची हाक दिली आहे, काय सांगू? आता व्यापाऱ्यांनी खरं तर अशा प्रकारचं शहर बंद वगैरे असा विचारही केला नाही पाहिजे। एका व्यक्तीनं केलेली चूक आहे का जे कायद्याच्या अज्ञानापोटी त्यांनी चूक केलेली असावी आणि कायद्याचं अज्ञान असल्यामुळं त्यांनी केलेल्या चुकीसाठी चुकीच्या गोष्टीला पाठिंबा देणं याचे बाहेर प्रतिसाद योग्य जात नाही। म्हणून माझं सर्व व्यापारी बंधूंना विनंती आहे की आपण अशा प्रकारच्या कुठल्याही प्रकारच्या आंदोलनामध्ये सहभागी होऊ नये आणि अशा प्रकारचं कोणतंही आव्हान आंदोलन उभं करू नये।
येणाऱ्या कालावधीमध्ये टॅक्सच्या संदर्भात संपूर्ण शहरामध्ये जागृती करण्यासाठी बुधवारी दिनांक 17 या दिवशी उल्हासनगर शहर बंदचं आवाहन संपूर्ण व्यापारी संघटनेमार्फत, काही पॉलिटिकल पक्षामार्फत, पीपल्स रिव्होल्युशन पक्षामार्फत आणि इतर रिपब्लिकन चळवळीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांमार्फत 17 तारखेला उल्हासनगर बंदचं आवाहन करण्यात येत आहे. ह्या उल्हासनगर शहरामध्ये लोकांवर व्यापाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात संपूर्ण आवाज तीव्र करण्यासाठी हा 17 तारखेचा उल्हासनगर बंदचं आवाहन आम्ही सर्व करत आहोत.